उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को इकाना स्टेडियम में ऑल इंडिया एडवोकेट्स क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने पिच पर उतरकर बल्लेबाजी में भी हाथ आजमाया। सीएम योगी ने दो गेंदों पर शॉट लगाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खेल में टीम भावना को महत्व देते हुए कहा कि खेल हम सबको साथ कार्य करने की प्रेरणा देता है। टीम वर्क से सफलता की संभावना अधिक हो जाती है और टीम वर्क ना होने से असफल होने की गुंजाइश भी उतनी ही ज्यादा हो जाती है। हर जीत हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, लेकिन हर हार एक नया सबक होती है और नए प्रोत्साहन के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में रविवार को 36वें अखिल भारतीय एडवोकेट क्रिकेट टूर्नामेंट की ट्रॉफी का अनावरण करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश की 57,000 ग्राम पंचायतों में खेल का मैदान बनाया जा रहा है। महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग ओपन जिम भी बनाए जा रहे हैं। विकास खंडों में मिनी स्टेडियम और जिले स्तर पर स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। इससे युवा सही रास्ते पर आगे बढ़ेंगे और नशे से दूर रहेंगे। उन्होंने कहा कि खेल एक टीम भावना के साथ हम सबको सम विषम परिस्थितियों से लड़ने की एक नई प्रेरणा देता है। दूसरा ये मनोरंजन भी है और तीसरा अपने आप को आंकलन करने का अवसर भी प्रदान करता है। जब मैच बेंच और बार के बीच हो तो ये न केवल रोचक होता है बल्कि लोगों को एक प्रेरणा भी देता है। पिछले वर्षों में देश प्रदेश में खेल आगे बढ़ा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी यही इच्छा है। ओलंपिक हो, पैरालंपिक हो या फिर एशियाड गेम्स, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर अवसर दिए जा रहे हैं।